हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी क्लासेस। आपके लिए एक और छोटी अपडेट हम लोग लेके आ गए हैं, आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे चैनल पे पढ़ाने के साथ साथ आपको पढ़ाई के साथ साथ रिक्रूटमेंट मतलब जॉब का जो भी अपडेट होता है किसी भी बोर्ड में, उसको हम लोग ज़रूर बताते हैं सबसे पहले। तो चलिए, एक और नोटिफिकेशन आप लोग को आ गया है। इसमें देखेंगे आप लोग कौन कौन से एलिजिबल हैं, कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहाँ से रिक्रूटमेंट आया। देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी आरआरबी जेई की तरफ से आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2022 आउट हो चुका है। कितने वैकेंट पोस्ट हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, पूरा हम लोग इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। सैलरी काफ़ी अच्छी आप लोग होने जानी है। यह जो है ऑफिशियल अपडेट है RITES नोटिफिकेशन की ओर से ये वैकेंसी आई है। चलिए हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ आप लोग आपका जो भी ब्रांच हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपके ब्रांच से रिलेटेड अगर कोई भी जॉब की वैकेंसी आती है तो हम इस चैनल पे आप लोगों को ज़रूर सूचित कर दें। साथ ही साथ अपना कोर्स भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि आप लोग बीटेक किए हुए हैं या जो डिप्लोमा पास हैं या जो ITI पास हैं, वो भी अपना कोर्स के साथ साथ ITI लिख दीजिएगा। जैसे जो फिटर्स हैं वो फिटर, जो बीटेक किए होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल, ऑल ब्रांच के लिए क्या ऑल ब्रांच के लिए डिप्लोमा ITI बीटेक जो भी ब्रांच से आप लोग किए होंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि आपके फील्ड से अगर कोई भी जॉब का रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएँगे आप लोग को इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, साथ ही साथ बीटेक एलिजिबल है कि डिप्लोमा की ITI, सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बता देंगे आपका एलिजिबिलिटी ही बता देंगे, ताकि जो लोग नहीं एलिजिबल हों वो लाइक करके वीडियो को छोड़ सकते हैं और जो एलिजिबल हों वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा, वहाँ पर हम इसका PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए हम लोग को नोटिफिकेशन की ओर ले चलते हैं। जैसा कि अभी आपको हम बता रहे थे, यह जो रिक्रूटमेंट है RRB की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, ये क्या मिनी रंत्रा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की तरफ से आया है। RITES लिमिटेड की ओर से टोटल जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी आई है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कितना पोस्ट खाली है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ये बात कर लेते क्या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से ये वैकेंसी आई है। चलिए हम नीचे चलते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपको कौन कौन ब्रांच का पोस्ट है। इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल का है, साथ ही साथ मैकेनिकल वालों का है, और टोटल जो सीट है आपका 15 सीट है और मैकेनिकल वालों का 5 सीट है। 9 सीट जनरल में है, 5 सीट आपका जनरल में, मैकेनिकल वालों का इलेक्ट्रिकल टोटल 15 सीट है। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो देखिए, यहाँ पर जो आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा 1/8/2022 तक आपका 18 हो जाना चाहिए, साथ ही साथ मैक्सिमम एज आपका 40 इयर्स होना चाहिए। या देख लीजिए इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों को क्या रहना चाहिए, BE या BTEC रहना चाहिए, या BSc से इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग रहना चाहिए, विथ एक्सपीरियंस रहना चाहिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। साथ ही बात कर लेते हैं मैकेनिकल वालों के लिए, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी BE BTEC रहना चाहिए, डिग्री रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, साथ ही साथ प्रोडक्शन वाले भी भर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी भर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी भर सकते हैं, साथ ही क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको 2 ईयर्स का रहना चाहिए। बात कर लेते हैं इसका किस तरह से सिलेक्शन होगा उसके बारे में हम लोग। चलिए नीचे आइएगा तो इस PDF को हम लोग आपका टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में सभी लोग ज्वाइन जरूर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना ब्रांच कमेंट कर दीजिएगा। इसी यहाँ नीचे आइएगा तो आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। जो आपका एक्सपीरियंस वो 5% रहेगा, रिटर्न एग्जाम 60% का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू पार्टिसिपेशन टोटल 100% EC के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिक पे आपको यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 23,340 से मिलेगी, इसे ये बढ़ के बहुत ही अच्छा सैलरी 50,000 तक देखिए 42,478 रुपये या से 5.5 लाख पर इनम हो सकता है। चलिए अब नीचे आ जाइए, जो आपका फ़ी लगेगा कितना, जनरल OBC कैंडिडेट वालों को 600 रुपये प्लस एप्लीकेबल फी रहेगा, SC ST वालों को 300 प्लस एप्लीकेबल फी रहेगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम जो सिटी आपका होने जा रहा है, दिल्ली होगा, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एंड नागपुर, कितना होगा 6 एग्ज़ाम सिटी आपका होगा।
साथ ही साथ रिटन टेस्ट का आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड से, और साथ ही सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। और कोई भी बात आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे आप पूछ सकते हैं। इस तरह से सिलेबस आप लोग हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख लीजिएगा यानी किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, इस तरह से आप लोग बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट का 29 तारीख तक, कब तक इसका है 29 सितंबर लास्ट डेट है, कब तक 19 सितंबर आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को। जो लोग इसमें एलिजिबल होते हैं वो ज़रूर अपना अपना फॉर्म को भर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से। तो इसी तरह से छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे इंजीनियर टेक केयर।